ट्रांसलेशन पर अगर आप पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन टेक्निक जो है वो बहुत सारे हवालों से इंतहाई अहम है, क्योंकि मुख्तलिफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। आजकल जो भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, तो कोशिश की जा रही है कि आपका टेस्ट जो पेपर होना चाहिए वो सब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, उसमें ट्रांसलेशन का आना बहुत जरूरी है। तो टेंसेस हमने पढ़ लिया, पैसे हमने पढ़ लिया, अब उससे हमें कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया है कि किसी भी फिक्रे को जो है वो उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आप देख लें यहाँ पर, ये देखेंगे अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है, ये हमेशा लोगों से भरा रहता है, दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। तो पहले आपने यहाँ अंदाजा ये करना है कि कौन से टेंस है ये। अब इसमें एक तो ये देखे ता है, ती है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा ये देखे मसरूफ तरीन बाजार है, कोई प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट कंडीशन है, इसीलिए आप इसको ट्रांसलेट करते वक्त अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है, तो अनारकली है द, अब मसरूफ तरीन सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए आप इसके साथ द बिजिएस्ट लगाएंगे, अनारकली इज द बिजिएस्ट बाजार ऑफ लाहौर, ये हमेशा लोगों से भरा रहता है, इट इज ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। और फिर आगे दुकानें रात देर तक खुली रहती हैं, द शॉप फ्री में, अब शॉप जमा है इसलिए वक्त के साथ ऐसी यस नहीं लगाया, अगर सिंगल होता दुकान रात गए तक खुली रहती है, द शॉप रिमेन्स ओपन आना था, ठीक है, अब दुकानें जमा है तो द शॉप रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। आगे आप यहाँ पर तकरीबन हर किस्म की चीजें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू कैन बाय ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। और फिर आगे कुछ लोग यहाँ अशिया खरीदने आते हैं, सम पीपल कम टू बाय थिंग्स, और आगे लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ सैर तफरी के लिए आते हैं। तो आप लेकिन लगा के सेंटेंस को इजाफा किया गया, तो हम भी जब इसी सेंटेंस को पूरा करेंगे तो कंजंक्शन लगाकर सेंटेंस को पूरा करेंगे, बट मोस्ट ऑफ देम कम जस्ट फॉर रिक्रिएशन या फिर एंजॉयमेंट, तफरी जो है उसके लिए आप रिक्रिएशन भी लगा सकते हैं, एंजॉयमेंट भी लगा सकते हैं। फिर आगे है कि अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं, आप फेरी वाले की इंग्लिश अगर आपको आती है तो फिर आगे देर आर मेनी हॉकर्स इन अनारकली, के बहुत सारे जो है फेरी वाले भी अनारकली के अंदर होते हैं। फिर आगे बताते हैं कि वो बटन, फीते, सुइयां, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं, तो दे सेल, अब दे के साथ आपको पता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऐसी ही इसका इजाफा नहीं करेंगे, तो दे सेल्स बटन, दे सेल बटन, लेसेस, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर सच थिंग्स, और इस किस्म की दूसरी अशिया, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ। और साथ में हम लोगों ने इस दफा इडियम्स पढ़ना स्टार्ट किए, कल हमने पहले 5 इडियम किए थे, आज उससे अगले 5 इडियम्स है आपके पास। अब इडियम आपको पता है कि मुहावरे होते हैं, इसमें देखिए अ डॉग खास साथ प्रूव्ड अ डॉग खास इन द फाइट, और इसी तरह एट सिक्स एंड सेवन बेतरतीबी में, यानी किसी चीज का जो है वो सही नज्म जब्त के साथ ना हो सके, ऑल द थिंग्स इन द रूम आर इन सिक्स एंड सेवन, तो इसी तरह एवरीथिंग इन द रूम वाज एट सिक्स एंड सेवन, के कमरे में हर चीज जो थी वो बेतरतीबी में थी। और बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त होना, गहरा दोस्त होना, तो अली इज माई बॉसम फ्रेंड, फाद इज माई बॉसम फ्रेंड, दे वर बॉसम फ्रेंड बट दे फॉट वन डे, तो इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह टू एड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल डालना, तो माई स्टेप मदर यूज टू एड फ्यूल टू फायर इन माई पनिशमेंट, कि जब मुझे सजा मिल रही होती है तो अम्मी, मेरी सौतेली माँ जो है वो जल्दी पर तेल डालती है, यानी फिर मुझे और चित्र पड़वाती है। इसी तरह अ मैन ऑफ स्ट्रा, बेबार शख्स या ऐसा शख्स जिसकी कोई राय ना हो, ठीक है, थाली का बेंगन भी इसको हम तौर पर कह सकते हैं, तो डोंट बिलीव हिम, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रा, ठीक है। सेंटेंस बनाते वक्त याद रखिए आपका सेंटेंस एक तो जस्टिफाइड होना चाहिए, जस्टिफाइड से मुराद वो एक आम रूटीन में या माशरे के हवाले से वो ठीक होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना लिख देते हैं ही आस्क्ड मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये पैरा वर्ड तैयार करवाते वक्त ना ये टेक्निक यूज किए जाते हैं, इंतहा गलत है, ये आपके जहनों को जो है यूं कह लें कि कम करने की एक नाकिस किस्म की सोच है। आप अपने अंदर सलाहियत बनाना चाहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल चीजों को जो है वो करने की कोशिश करें, ताकि आप जो है वो बेहतर से बेहतर पेपर में भी परफॉर्म कर सके और आपकी बाकी प्रैक्टिकल लाइफ के जो भी एग्जाम्स हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपका एक निखार आ जाए।